हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवादा बाइकर। आज की वीडियो रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के बारे में है। अभी हाल में ही हंटर 350 रॉयल एनफील्ड के हिमालयन की ऑफिशियल वीडियो से लीक हुई है। रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन में कुछ नई एक्सेसरीज ऐड की है, जिसका की ऑफिशियल वीडियो रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पे पोस्ट की गई थी। वहीं से हंटर 350 के भी क्लोज लुक का स्पाई इमेज देखने को मिला है। रॉयल एनफील्ड अभी कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जिसमें से हंटर और क्रूजर 650 दोनों को इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च की जाएगी। क्रूजर 650 को कई जगह पे आपको सुपर मेटियोर 650 भी बोला जाता है। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि इसका एग्जैक्ट नाम क्या होने वाला है। अभी आ रही सोर्सेज और रिपोर्ट्स के हिसाब से अब रॉयल एनफील्ड हंटर 350 पे अपनी फोकस रखने वाली है। इस बाइक की फिलहाल अभी तक टेस्टिंग चल रही थी, कई बार इसको टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट किया गया था। अभी तक आ रही रिपोर्ट्स के हिसाब से कंपनी अब इस बाइक की टेस्टिंग को काफी हद तक कंप्लीट कर चुकी है। अब जल्द ही ये बाइक आपको आपके नजदीकी शोरूम्स में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ये बाइक कब लॉन्च होगी, कितना प्राइस होगा और क्या स्पेक्स आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में कोई नई बाइक परचेज करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बाइक्स की सारी से न्यू अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पे फ्लो करते हुए दिख जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। हाल में ही इस बाइक के पिक को भी रेंडर किया गया है, जिसका की क्लिप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी तक इस बाइक की कोई ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई थी, बट अभी आ रही लीक्स में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अनुमान अब लगाया जा सकता है। ये रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी सेगमेंट की बाइक है। इसमें आपको मेटियोर 350 से सिमिलर इंजन देखने को मिलेगा। मार्केट रिस्पॉन्स से ऐसा लग रहा है कि मेटियोर 350 का इंजन अब तक की रॉयल एनफील्ड का सबसे रिफाइंड और कम वाइब्रेशन वाला इंजन है। बहुत भाई ऐसा भी कह रहे थे कि कॉन्टिनेंटल जीटी का भी इंजन बहुत रिफाइंड और कम वाइब्रेशन वाला है, बट आपको बता दूं मेटियोर 350 का भी इंजन सबसे ज्यादा रिफाइंड है रॉयल एनफील्ड की। यही रीजन है कि आपको क्लासिक 350 में भी अब मेटियोर का ही इंजन देखने को मिलता है। इसमें आपको सेम मेटियोर से ही मिलता जुलता पावर स्पेक्स और फीचर्स देखने को मिलेगा। रॉयल एनफील्ड एक अफोर्डेबल प्राइस टैग में 350 सीसी का नया वेरिएंट लॉन्च कर रहा है, जिससे कि कंपनी अपनी ग्रोथ रेट को फिर से वापस लाने की कोशिश में है। लुकिंग वाइज अगर इसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये बाइक मेनली कॉम्पिटिशन देने वाली है होंडा की हाइनस सीबी 350 को। इसकी सीट हाइट को काफी कम रखा गया है, जिससे कि पहले जो शॉर्ट राइडर्स को रॉयल एनफील्ड के साथ प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता था वो शायद इसमें आपको देखने को ना मिले। इस बाइक को मेनली लोगों के फीडबैक और नीड के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। ये भी एक मेन रीजन है इसके लॉन्चिंग को डिले होने के लिए। कंपनी भी चाह रही है इसमें आपको कम से कम प्राइस टैग में अच्छी से अच्छी फीचर्स ऑफर करा जाए। ये बाइक थोड़ी सी लाइट वेट होने वाली है, इसका वेट नॉर्मल बाइक्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है। इसका डिजाइन इंटरसेप्टर 650 पे बेस्ड रहने वाला है और इस बाइक में जे फ्रेम यूज किया गया है, जिससे कि बाइक के वाइब्रेशन को काफी हद तक कम किया जा सके और हैंडलिंग भी इसमें आपको काफी बेटर क्वालिटी की ऑफर की जाएगी। अब बात करें फाइनली इसके प्राइस और लॉन्च रेट की, तो अगर आप हंटर 350 का वेट कर रहे हैं तो आपको 2022 फर्स्ट मंथ तक वेट कर लेना चाहिए। एक्सपेक्टेड लॉन्च रेट इसका 2022 फरवरी तक का देखने को मिल रहा है और इसका प्राइस 1,95,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा। ऑन रोड आते आते इसकी प्राइसिंग 2,10,000 तक देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा प्राइस टैग में आपको अप डाउन देखने को जरूर मिलेगा। तो आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये बाइक कैसी लगी और क्या आप इसको खरीदना पसंद करेंगे। तो वीडियो पे मैं खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।